गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइट एंड बी योर टीचर एंड एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना चैप्टर, दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। आज ये खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर क्लास 11th का, और जो हमारी बची हुई नंबर कन्वर्जन है वो नंबर कन्वर्जन हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। और जो एनकोडिंग स्कीम्स हैं जैसे ASCII, वो सब भी हम आज अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। बाइट पर हम कवर कर रहे हैं क्लास 10th की IT 402 कोड, और उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज DBMS। क्लास 11th में पाइथन कंप्लीट हो चुकी है और हम फिलहाल कवर कर रहे हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसके जस्ट बाद बुलियन एलजेब्रा वाला चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है। क्लास 12th में पाइथन कंप्लीट हो चुकी है, SQL कंप्लीट हो चुकी है, उसमें लास्ट चैप्टर चल रहा है दैट इज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसके अलावा बाइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का ही नहीं, सिलेबस के बाहर का कंटेंट भी मिलेगा, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन के अलावा भी सीखने को मिलेंगी, और पाइथन को रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए, वो सब चीज़ें भी हम बाइट पर कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम चैनल को पहुँचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज प्रोवाइड करवा सके, उन्हें कंप्यूटर एक अंडरस्टैंडेबल, एक ईजी सब्जेक्ट जैसा लगना चाहिए, ऐसा उनकी हम मदद कर सके। टाइम टेबल हैज चेंज सो आई एम स्किपिंग दिस स्लाइड। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको इसमें सैंपल पेपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। डाउट पोर्टल पे अगर किसी ने अपना डाउट रजिस्टर कर रखा है, वीडियो के लास्ट में मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा ताकि आपके डाउट को लाइव कवर किया जा सके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और सारे नोट्स उनके साथ वीडियो लेक्चर सब यहां पे अवेलेबल है, तीनों क्लासेस के, क्लास 10th 11th एंड 12th। तो यहां जाके आप नोट्स को डाउनलोड करें और उसी लैंग्वेज को जब आप एग्जाम में लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो इसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, पिछली बार के जो क्वेश्चंस हैं देखते हैं किन किन लोगों ने उसका आंसर दिया है। लेट मी चेक हु ऑल हैव गिवन द करेक्ट आंसर फॉर द प्रीवियस वीडियो क्वेश्चंस, विल नॉट टेक मच टाइम रीचिंग देयर। ओके, अंशुल की तरफ से आंसर की भरमार है, बहुत सारे आंसर दे रखे हैं अंशुल ने, और अंशुल के अलावा और किसी का आंसर नहीं है। कमेंट्स तो बहुत सारी है लेकिन सिर्फ अंशुल के ही आंसर्स हैं यहाँ पे। नोबडी एल्स हैज अटेम्प्टेड द प्रीवियस क्वेश्चंस, चलिए कोई बात नहीं, फिर अंशुल ही सही, अंशुल का ही नाम मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे। वेरी गुड अंशुल दैट यू हैव अटेम्प्टेड दीज क्वेश्चंस, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। और अब मैं आप लोगों को आंसर बताना चाहूंगा इन क्वेश्चंस के। हाउ मेनी बाइनरी डिजिट्स आर पेयर्ड टू फॉर्म अ हेक्साडेसिमल नंबर, कितने बाइनरी डिजिट्स को हमें इकट्ठा करना पड़ता है एक हेक्साडेसिमल नंबर बनाने के लिए। देखिए, हेक्साडेसिमल का सबसे छोटा नंबर होता है 0 और सबसे बड़ा होता है 15, जिसको हम लेटर F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 15 का अगर हम बाइनरी फॉर्म निकालें, 2 7 14, 15 में से 14 गया 1 बचा, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 2 1 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, तो हमारे पास आएगा 1 1 1 1, यानी कि चार बाइनरी डिजिट्स को अगर हम इकट्ठा करेंगे, पेयर बनाएंगे, तो वो हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर को फॉर्म करेगा। पोजिशनल मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? पोजिशनल मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? द मल्टीप्लीकेशन
ऑफ द नंबर विद द बेस एंड द बेस इज हैविंग रेज टू द पावर अकॉर्डिंग टू द पोजिशन. उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है सपोज 11001 और इसे हमारे को डेसिमल में चेंज करना है तो उसके लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं वो पोजिशनल मल्टीप्लिकेशन ही है. यानी कि आप इसे ऐसे लिखते हैं 11001 और सबके नीचे बेस लिख देते हैं दैट इज 2 और फिर पार देते हैं अकॉर्डिंग टू पोजिशन. पहले वाले को 0, अगले वाले को 1, अगले वाले को 2, अगले वाले को 3 और अगले वाले को 4. तो 2 की पार 4 16, 16 इंटू 1 16 आ जाएगा. 2 की पार 3 8, 8 इंटू 1 8 आ जाएगा. 2 की पार 2 4 इंटू 0 0, 2 की पार 1 2 2 इंटू 0 0, 2 की पार 0 1 1 इंटू 1 1. यानी कि हमारा बैठेगा 16 और 8 24 प्लस 1 25. तो इस तरीके से हमने पोजिशनल मल्टीप्लीकेशन का यूज करा और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया. एक क्वेश्चन था आपके पास कि 11001101 को ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए. तो अंशुल ने आंसर दे रखा है, चलिए उनका एक आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं, बाकियों का अपने आप कन्फर्म हो जाएगा. 0 1 1 0 1. तो अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो एक पैर ये बन जाएगा 4 का, एक पैर ये बन जाएगा 4 का. इट विल रिजल्ट इन 8 और 4 12 और 1 13 और ये रिजल्ट करेगा 12 में. यानी कि A 10 होता है, B 11 होता है, ये C बनेगा और ये D बनेगा. तो C D with the base 16 आ जाएगा. हेक्साडेसिमल का आंसर है C D with the base 16. हल्की सी गलती अंशुल आपकी यहाँ पे. और फिर मैं बाकी भी कन्वर्ट कर ही लेता हूँ. डेसिमल फॉर्म थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं. 11001101 टू की पावर 0, टू की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, की पावर 4, की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7. 2 की पावर 7 हमारा बैठेगा, 6 होता है 64, ये 128 हो जाएगा. 128 प्लस 64 प्लस 2 की पावर 3 यानी कि 8 प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 2 की पावर 0 यानी कि 1. तो ये बन जाएगा हमारा 64 और ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा हमारा 201 आ जाना चाहिए. 201 विद द बेस 10. और ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तीन तीन डिजिट्स का बाइनरी पेयर बनेगा. 11001101. एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बन जाएगा. इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, पहले इसका आंसर लिख दूं मैं, 201 विद द बेस. और मैंने कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करी है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है. इट विल रिजल्ट इन 3, इट विल रिजल्ट इन 1, इट विल रिजल्ट इन 5. तो इसका आंसर आ जाएगा 315 विद द बेस 8. पहला सही है बिल्कुल, दूसरा 205 आ रहा है, मेरा 201 आ रहा है. एक बार फिर भी मैं कैलकुलेशन चेक कर लूँ. ओके 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 205 ही आएगा, मैंने 4 को तो ऐड करा ही नहीं है. 205 आएगा, मैंने सीधा 1 को ऐड कर लिया. 205 ही आएगा इसका आंसर. वेरी गुड अंशुल. और अब एक बार इसे भी कंफर्म कर लेता हूँ कि मैंने ठीक करा है. 8 और 4 12 और 1 13 और 13 का हमारा डी ही आता है क्योंकि ई 14 और एफ 15 है. तो लास्ट वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं अंशुल. वेरी गुड गुड ग्रेट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेक्चर में क्या है आज. ओके, माइसेल्फ विवेक दुनेजा, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, हैविंग मोर देन 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर. लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज.
हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास बेस 16 है और उसे बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेक्साडेसिमल के डिजिट्स को अलग अलग रखना पड़ेगा, यानी कि डेसिमल वाला अलग, और मतलब अगर नंबर है 1, 2, A, B तो 1 को अलग, 2 को अलग, A को अलग, B को अलग सेपरेटली लिखना है। उसके बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा रिपीटेड डिवीजन का प्रोसेस विद द बेस ऑफ 2 टू कन्वर्ट विद द बेस टू कन्वर्ट ऑल द डिजिट सेपरेटली इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी फॉर्म। हर एक को 2 से डिवाइड करेंगे और उनका बाइनरी फॉर्म निकालेंगे। जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी अगर उसमें 4 से कम डिजिट है, अभी मैंने बताया था हेक्साडेसिमल नंबर में 4 डिजिट का होना जरूरी है, तो अगर उसमें 4 से कम डिजिट हैं तो हमारे को उसमें 0 प्रीफिक्स करना पड़ेगा ताकि हम 4 का पेयर बना सकें। हेक्साडेसिमल नंबर जो है उसमें 4 का पेयर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसमें 2 raised to power 4 फोर बाइनरी डिजिट्स हैं, जिसका मतलब है 16, टोटल 16 डिजिट्स होते हैं 0 से 15 तक। तो इसलिए 4 बाइनरी डिजिट्स का पेयर बनाने से हम सारे 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर सकते हैं। एक और कारण कि 4 बाइनरी डिजिट्स क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 15 है, और 15 का बाइनरी फॉर्म अभी निकाल के दिखाया था मैंने आपको, 1111 आता है, और सबसे छोटा बाइनरी जो सबसे छोटा हेक्साडेसिमल नंबर है वो 0 है, इसलिए 0 को भी कैसे लिखते हैं, 0000, यानी चारों पैर उसके अंदर पूरा करने का काम करते हैं। सेम प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा वैल्यू आफ्टर डेसिमल के लिए, अगर पॉइंट में वैल्यू है तब भी यही सेम रूल होगा, यानी हेक्साडेसिमल डिजिट को अलग लिखेंगे, उसका बाइनरी फॉर्म निकालेंगे, अगर आंसर में 4 डिजिट कम है तो उसमें 0 लगा के उसे पूरा कर देंगे। लेकिन अगर रिजल्टेंट वैल्यू में डेसिमल फॉर्मिंग द डेसिमल नंबर 10 और अबव, अगर आपका आंसर जो है वो 10 या अबव वैल्यू आ रही है, तो हम उसके लिए अल्फाबेट कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे A to F का, डायरेक्टली वो नंबर नहीं लिखेंगे, उसकी जगह वो हेक्साडेसिमल कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। चलिए आपको सीधा एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ, इसके एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। वी आर हैविंग अ नंबर सपोज 1A 2B, बेस 16 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको कहा था सेपरेट लिख लेना, 1 अलग लिखा, A अलग लिखा, 2 अलग लिखा, B अलग लिखा। 1 के लिए 1 ही लिख लीजिए, A के लिए 10 लिख लीजिए, 2 के लिए 2 लिख लीजिए, B के लिए 11 लिख लीजिए। अब इनको 2 से डिवाइड करके इनके रिमाइंडर वो निकालना है, LCM बाइनरी डिविजन करनी है। तो 1 का तो 1 ही आएगा, लेकिन इसमें 4 डिजिट पूरे करने, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 0001। 10 का अगर मैं एलसीएम निकाल लूं, वैसे तो मुझे पता है इसका आंसर आएगा हमारा 1010, लेकिन एक बार मैं आपको करके दिखाना चाहता हूं। 10 2 5 ज 10 रिमाइंडर 0 आ गया, 2 2 ज 4 5 माइनस 4 1 आ गया, 2 1 ज 2 2 माइनस 2 0 आ गया। तो नीचे से ऊपर कलेक्ट करते हैं तो 1010 आ गया। 2 का बाइनरी फॉर्म हमारा बनेगा 10, 4 पूरे करने के लिए आगे 2 जीरो लगा देंगे। 11 का बाइनरी फॉर्म बनेगा हमारा 1011। अब यही आपका आंसर है, बस इसे इकट्ठा करके लिख दीजिए 0001 1010 0010 1011 विद द बेस 2। तो इस तरीके से आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा नंबर आप लोगों को दे रहा हूं, आप उसे ट्राई कीजिएगा। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। C7F बेस 16 को बेस 2 में कन्वर्ट करके बताइए। C7F बेस 16 को बेस 2 में कन्वर्ट कीजिए, गो फॉर इट। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अंशिका हेलो, गो फॉर दिस, ट्राई दिस वन। आयुष ने हमें पिछली बार वाले का आंसर दे दिया है, दैट्स गुड। इस बार वाले का आंसर बताइए क्या आएगा। वेटिंग फॉर योर responses, प्लीज गो फॉर इट।
ट्राई कीजिए कि क्या कैलकुलेशन बनेगी, क्या आंसर आएगा। ओके, प्रिनियस शर्मा का आंसर आया है हमारे पास, आई होप इट्स करेक्ट। तो चलिए मैं चेक करके देखता हूँ। सी को लिखेंगे अलग से एंड देन सेवन लिखेंगे, एफ लिखेंगे, एफ हमारा माना जाएगा 15, सेवन के लिए सेवन ही माना जाएगा और सी माना जाएगा हमारा 10, 11, 12, 13, 13 माना जाएगा। 13 का बाइनरी फॉर्म है 1, 1, 0, 1, 7 का बाइनरी फॉर्म 1, 1, 1 है, चार पूरे करने के लिए आगे जीरो लग जाएगा और 15 का 1, 1, 1, 1। तो थोड़ी सी गड़बड़ रही आंसर में, दिस इज द करेक्ट आंसर 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 1, 1, 1 और लगेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। प्लीज चेक योर आंसर्स, देर आर लिटिल बिट मिस्टेक, उन मिस्टेक्स को करेक्ट कर लीजिए और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड देन ऑक्टल टू बाइनरी 3-step प्रोसेस हो जाएगा, एक लंबा काम पड़ जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है तो वो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। यहां तक मुझे बताइए, इज दिस क्लियर टू यू? एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट प्लीज। ओके ठीक है, तो गलती हुई है, सी इज नॉट 13, सी इज एक्चुअली 12, क्योंकि ए हमारा 10 है और बी हमारा 11 हो गया तो सी हमारा 12 है। ओके देन आई थिंक आप लोगों के आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, इट विल बी बिल्कुल सही। सबसे पहले मेरे पास विनेश शर्मा का आंसर आया था तो मैं उसी को पिन कर रहा हूँ, दैट्स वेरी गुड विनेश एंड थैंक यू अंशिका फॉर गाइडिंग, फॉर हेल्पिंग एंड करेक्टिंग अस, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही है, अब ये 12 का बाइनरी फॉर्म बनेगा 1100 एंड फिर हमारे पास 7 का 0111 और 15 का 1111। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, यू कैन टेक योर डाउट्स नाउ एंड इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव अहेड। ओके मूविंग अहेड देन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे करेंगे? इसके लिए हमें पोजिशनल मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा बेस के साथ, वही जो हमने अभी क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, जहां पे हमारा बेस यूज होगा वो 16 होगा क्योंकि हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इन दिस प्लेस द हेक्साडेसिमल डिजिट, हेक्साडेसिमल डिजिट को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा जैसे हमने अभी लिखा था बाइनरी के केस में, और हर एक के नीचे हम 16 लिख देंगे एज द बेस और हर एक को हम पावर देने का काम करेंगे पोजीशन के हिसाब से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो सबसे पहला डिजिट है उसको पावर जो है वो जीरो दी जाएगी पहले हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए बिफोर द डेसिमल। पावर कैलकुलेट करने के बाद ऊपर वाले नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो मतलब ऊपर वाले जो हेक्साडेसिमल डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करा जाएगा। आपको एक छोटा सा डेमो देके दिखाता हूँ ताकि ये पॉइंट थोड़े से और क्लियर हो जाए आप लोगों को। सपोज हमारे पास है 1A7 विद द बेस 16 को हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो अभी तक जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसके हिसाब से मैंने कहा था इन्हें अलग अलग करके लिख लीजिए, 1 अलग, 7 ए अलग और 7 अलग। 1 के लिए 1 लिख लिया, ए के लिए हमने 10 लिख लिया, 7 के लिए 7 लिख लिया, हर एक के नीचे बेस लगाना है 16 और फिर पार देनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पार देनी है। सबसे पहले वाले को पार आएगी 0, अगले को 1, उससे अगले को 2। फिर लिखा है कि पार कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लाई करो रिजल्ट ऊपर के हेक्साडेसिमल डिजिट से। तो 16 की पार 0, किसी भी नंबर की पार 0 1 होता है, 1 × 7 विल बी 7 और प्लस 16 की पार 1 है 16, 16 × 10 इज 160 प्लस 16 की पार 2, 16 × 16 आई थिंक 256, 6 6 30, हाँ 256 आएगा, 256 × 1 256 ही हो जाएगा। तो इन्हें ऐड कर देंगे, 6 और 7 हो जाएगा हमारा 13,
छः और एक सात और पाँच बारह और दो और एक तीन और एक चार, तो 4 2 3 विद द बेस 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का काम कर सकते हैं। आगे के स्टेप्स देख लेते हैं। जो नंबर हमारे पास अभी निकल के आया है उसको हम ऐड कर देंगे, जैसे कि हमारे पास ये देखिए निकल के आए थे 256, 160 और 7, तो हमने इन्हें आपस में ऐड करा और फाइनली हमारा डेसिमल नंबर जो है वो फॉर्म हो गया। और हेक्साडेसिमल नंबर जो है, हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो है आफ्टर द डेसिमल, उस केस में हम पार जो है वो लेफ्ट टू राइट देते हैं, तो पार लेफ्ट टू राइट दी जाएगी और पार जो है वो -1 के हिसाब से स्टार्ट होगी आफ्टर द डेसिमल, और वैल्यूज जो ऑब्टेन होंगी डेसिमल के बाद की या डेसिमल से पहले की उन्हें अलग अलग ऐड करना है आपका डेसिमल नंबर फॉर्म करने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर होता 27.89 विद द बेस 16 और आपको इसे कहा गया कि बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को अलग लिखना है, 7 को अलग लिखना है, पॉइंट लगाया, ए को अलग लिखना है और 9 को अलग लिखना है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ। 2 अलग, 7 अलग, ए की जगह 10 आ गया, 9 की जगह 9 आ गया, हर एक के नीचे 16 लिख दिया, इस वाले का बेस 0, इस वाले सॉरी बेस तो 16 है, पार 0 होगी, अगले वाले की 1, और यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली जो है उसको हम लेफ्ट टू राइट लेंगे और पहले वाले को पार देंगे -1, तो ये 16 की पार -1 हो जाएगी और ये 16 की पार -2। तो इस तरीके से हम पॉइंट वाले नंबर को, हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का काम कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट सीएस के सिलेबस में नहीं है डियर, आपके आईपी के सिलेबस में बिल्कुल होगा लेकिन सीएस के सिलेबस में नहीं है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता अगर वो हमारे इसमें होता। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, यू कैन टेक योर डाउट्स एंड गेट इट क्लियर। इफ दे आर मुझे वीडियो के लास्ट में रिमाइंड कराना शर्मा जी, आपको मैं दोनों करके दिखा दूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, दैट्स वेरी गुड अंशिका, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो बेसिकली मैं दे चुका हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन करवाता हूँ। लेट इट बी आई थिंक सी एंड सिक्स, A3C6 बेस 16 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, करके दिखाइए। A3 बेस 16 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, A3.C6 बेस 16 को बेस 10 में। ट्राई दिस वन आउट, ट्राई करके दिखाइए। गोइंग वेरी वेल टिल नाउ, गुड पार्टिसिपेशन। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, मुझे भी लगेगा। चलिए मैं भी आप लोगों के साथ पैरेलली सॉल्व करता रहता हूँ। ए अलग लिख लिया, थ्री अलग लिख लिया, पॉइंट अलग लिख लिया, सी अलग लिख लिया, सिक्स अलग लिख लिया, सबके नीचे 16 लगा रहे हैं, पहले वाले की पार 0, फिर पार 1, फिर पार -1, फिर पार -2, और ए हमारा माना जाएगा 10, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और सी हमारा माना जाएगा, ये सॉरी सिक्स है, सी जैसा दिख रहा है, सिक्स बना देते हैं, सी हमारा माना जाएगा 12, तो ये बन जाएगा 16 की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, प्लस 16 की पावर 1 इज 16, 16 इंटू 10 इज 160 पॉइंट 12 अपॉन 16 प्लस 6 अपॉन 256। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी,
और सिक्स के टेबल में 6 4 24 नहीं है, जाएगा नहीं डायरेक्टली, 2 3 एंड 2 1 28। अब डिवीजन करके देखेंगे इसकी, 4 का तो 3 से करेंगे तो आई थिंक पॉइंट लगाया 0 आ गया, 4 7 28 दो बज गया, 4 5 20 ओके, तो ये तो खत्म हो गया, 0.75 आ गया हमारा। प्लस 3 को 128 से करना, तो पॉइंट लगाया 0 दिया, 1 0 और लगाया 0 दिया, 128 2 256 आ जाएगा, इतना ही रख लेते हैं और ज़्यादा कैलकुलेशन, ये हमारा 44 आ जाएगा। तो आगे भी डिवीज़न होती रहेगी, 3 अगर करके देखेंगे तो आई थिंक 3 चला जाएगा, 24 और 3 2 6 7 8 3 1 3 हाँ, तो आगे डिवीजन होती रहेगी, तो इसका हम ये मान के चल रहे 0.023, तो ऐड होके बन जाएगा हमारा 163.773 ओके, यहाँ पे हमारे पास आंसर आए हुए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस के साथ आंसर दिखाई है आपने, और वेरी गुड अंशिका, मेरे जैसा मिलता जुलता है आंसर, आपने भी प्रॉपर कैलकुलेशन करी है, कुछ हो सकता है शॉर्टकट मारे हुए हों, वेरी गुड अंशिका, गोइंग वेरी ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्रिएटिव आइडिया। देखिए क्लास 12th का न्यू बैच, अभी क्लास 12th का करंट बैच फिनिश नहीं हुआ है डियर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अप्रैल मान के चलिए, अप्रैल में आपका क्लास 12th का नया बैच स्टार्ट हो जाएगा आईपी का। सीएस का बैच ऑलरेडी कवर हो चुका है, सीएस की तो मैं क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग्स की वीडियोस ही लूंगा, लेकिन क्लास 12th का आईपी का नया बैच स्टार्ट होगा जो अभी तक चैनल पे कवर नहीं हुआ है। ओके लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कन्वर्जन है, आखिरी कन्वर्जन है हमारी है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना इजी प्रोसेस है, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती हेक्साडेसिमल से ऑक्टल की, उसको करने के लिए हमारे को पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना पड़ता है और बाइनरी से हम उसे ऑक्टल में बदलना पड़ता है। कन्वर्टिंग करनी है अगर हमने हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में, तो उसको ये आपको बता ही दिया है, बाइनरी फॉर्म में पहले प्रोसेस करना पड़ेगा, और कैसे करते हैं वो हमने अभी देखा है कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, फिर बाइनरी से जो नंबर आपको मिलेगा उसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये डिस्कशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, इसका एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं, लेट्स गो फॉर द नंबर ए टू सी विद द बेस 16 को बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो अलग अलग लिखेंगे, ए अलग आ गया, टू अलग आ गया, सी अलग आ गया, ये मैं करके दिखा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, ए 10 हो गया, टू का टू ही रहेगा, सी हमारा 12 हो जाएगा, और फिर इसका बाइनरी फॉर्म निकालेंगे, बनेगा 1010, टू का बाइनरी फॉर्म बनेगा 10, चार पूरे करने के लिए आगे 20 लग जाएंगे, 12 का बनेगा 8 और 4 12, और ये हमारे 20 हो गए। अब इसे एक साथ लिख लीजिए, 1010 0010 1100। अब ऑक्टल में बदलना है, तो ऑक्टल के लिए 3 का पेयर बना, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये हमारा बनेगा 5, ये हमारा बन जाएगा 0, ये हमारा बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा हमारा 4, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 5054 विद द बेस 8। चलिए होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर डाउट है यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, और फिलहाल मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि जिनको आ चुका है वो खाली ना बैठे, ट्राई कर लें, बी और 9 पॉइंट सी 4 बेस 16 को बेस 2 में कन्वर्ट, सॉरी बेस 8 में कन्वर्ट कीजिए, गो फॉर दिस क्वेश्चन, इजी है, जल्दी कर लेंगे आप, वेरी गुड प्रियांश, वेरी गुड रेनू, गुड आंसर्स, यू आर वेलकम क्रिएटिव आइडियाज, आई एम सॉरी फॉर आंसरिंग लेट, नहीं श्यामक,
श्यामक ही बोला जाएगा। श्यामक जैन अभी क्लास 10th का डीबीएमएस चल रहा है डियर, कंप्लीट नहीं हुआ, एटलीस्ट दो से तीन लेक्चर और लगेंगे, एटलीस्ट टू थ्री लेक्चर मोर विल बी देयर एंड देन वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट। ये वाला ट्राई करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। BD9.C4 बेस 16 को बेस 8 में कन्वर्ट करना है। वेरी गुड, आप लोगों के पिछले क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है मेरे पास, दैट्स गुड। लेकिन फिलहाल अब इस नए क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है। मैं भी साथ साथ करता रहता हूं, मुझे भी आंसर निकालने में और क्रॉस चेक करने में टाइम लगेगा। बी के लिए हम यूज करेंगे 11, डी के लिए आ जाएगा हमारा 13, 9 के लिए 9 आ जाएगा, पॉइंट सी के लिए आ जाएगा हमारा 12 और 4 के लिए 4 ही रहेगा। और यू आर वेलकम अनीता। और हमारे पास किसी का आंसर आया है, प्रियांश का, दैट्स वेरी गुड प्रियांश। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ डियर, 11 का 1011 आएगा, 13 का 1101 आ जाएगा, 9 का आ जाएगा हमारा 1001 पॉइंट, 12 का 1100 और 4 का आ जाएगा हमारा 0100। अब इन्हें एक साथ लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा नंबर बनेगा, 1011 देन 1101 देन 1001 पॉइंट 1100 देन 0100। भाई यहाँ पे जो पैर बनेगा वो बनेगा राइट टू लेफ्ट, और उधर की तरफ जो पैर बनेगा वो बनेगा हमारा लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे पैर इस डायरेक्शन में बनेगा और एक ही होगा, और तीन पूरे करने के लिए इसमें पीछे जीरो लग जाएगा। तो मुझे सही लग रहा है इनका आंसर, वेरी गुड, सबके आंसर यही आ रहे हैं, वेरी गुड प्रियांश, रेनू एंड प्रिनेश। ये तो 5 बैठ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये बैठेगा 3, ये बैठेगा 1 और पॉइंट ये हो जाएगा हमारा 6 देन 1 एंड 0, तो 5731.610। यही आप लोगों के आंसर, वेरी गुड, ग्रेट, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया आंसर्स आप लोगों की तरफ से। एंड दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू इट्स ऑक्टल फॉर्म। उम्मीद है क्लियर, सॉरी यहां तक क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क योर डाउट, टेक योर डाउट्स। यस हबीबा, करेक्ट आंसर। नेटवर्क इश्यूज है, थोड़ी सी देर में आया आंसर लेकिन आ गया, बिल्कुल सही आया, दैट्स गुड। चलिए किसी को कोई डाउट है यू कैन टेक योर डाउट्स, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड रेनू, दैट्स वेरी गुड अंशिका। ओके आखिरी टॉपिक, सॉरी कन्वर्जन से रिलेटेड आखिरी टॉपिक है, बोल बोल के लगता है गला खराब हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ नंबर्स विथ फ्रैक्शनल पार्ट, अगर नंबर में डेसिमल पार्ट है, पॉइंट वाला है, तो कैसे करेंगे। डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम एक कॉमन फॉर्मूला है, इट इज डन विद द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। यही तरीका हमारा बचा था, बाकी सारे कन्वर्जन हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ ये कन्वर्जन वाला तरीका हमारा रह गया था, तो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये अगर डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शन है और आप उसे दूसरे नंबर सिस्टम में करना चाहते हो, तो इसके लिए हमें रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रैक्शनल पार्ट को विद द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा जब तक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जीरो ना बन जाए, या कम से कम 4 से 5 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। आपका इंटीजर पार्ट जो आ रहा है उसे हम टॉप टू बॉटम कलेक्ट करेंगे और वो हमारा इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम जो है वो उसके हिसाब से फॉर्म हो जाएगा। चलिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर और फिर एग्जाम्पल वाली स्लाइड में हम उसे कर लेंगे। सपोज नंबर हमारा 0.025, पहले सिंपल लेके चलते हैं, और बेस 10 को आपको कहा जा रहा है कि इसे बेस 2 में बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने जैसे भी आपको बताया पोजिशनल रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो इस 0.25 को यहाँ लिखिए, उसे मल्टीप्लाई कीजिए उससे जिससे आपको बेस में कन्वर्ट करना है, किसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0.50। अब इसमें इसको छोड़ दो और जो पॉइंट आफ्टर डेसिमल है उसे अगली लाइन में ले जाएंगे, यानी ये बन जाएगा हमारा 0.50, फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और ये बन जाएगा हमारा 1.00। अब देखो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, पॉइंट के बाद 0 अगर आ रहा है तो हम आगे कैलकुलेशन करना बंद कर देंगे और टॉप टू बॉटम अपने
डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को यानी इंटीजर पार्ट को कलेक्ट करेंगे। तो पॉइंट से पहले हमारे पास ये था जीरो और वन, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे पॉइंट जीरो वन और इससे आगे भी जीरो लगा देंगे विद द बेस ऑफ टू। तो इस तरीके से रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और करके दिखा रहा हूं आपको। सपोज यही है 0.25 बेस 10 को बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 0.25 इंटू 8, तो 85 द 40 और 82 द 16, 16 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 20। तो ये तो पहली बार में ही खत्म हो गया, बहुत बढ़िया है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू है, पॉइंट के पास सिर्फ 0 0 है, तो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.2 विद द बेस 8। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को, इस पैटर्न को फॉलो करके हम किसी भी डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शन को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी फ्रैक्शनल पार्ट की उस बेस से जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये कब तक कंटिन्यू करेंगे? जब तक या तो फ्रैक्शनल पार्ट में जीरो ना आ जाए। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट में जीरो आ नहीं रहा तो क्या करते ही रहेंगे? नहीं, कई बार रिकर्सिव हो जाती है, बहुत कंटिन्यू होती है। तो आप सिर्फ 3-4 से 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा और वहीं पर रोक दीजिएगा और आपका आंसर के तौर पर क्या आएगा? जो पॉइंट से पहले के नंबर है, जैसे यहाँ पॉइंट से पहले 2 था या पॉइंट से पहले 0 और 1 था, तो इंटीजर पार्ट है जिन्हें आप टॉप टू बॉटम कलेक्ट करोगे। देखो जब हम रिपीटेड डिवीजन करते हैं तो हम बॉटम टू टॉप कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है उसमें बॉटम टू टॉप कलेक्ट होगा और इक्विवेलेंट हमारा नंबर जो है वो फॉर्म कर लिया जाएगा। दैट्स वेरी गुड प्रियाज, हैप्पी टू Have you over here and happy to help you out also. किसी को कोई doubt है you can take your doubt, और clear है तो भी बता दीजिए। हमारा aim यही है कि हम maximum से maximum लोगों की मदद कर सकें, help कर सकें, उन्हें computer में interest generate करवा सकें, computer उन्हें अच्छा लगे, एक ऐसा subject बना सके, डर ना लगे उन्हें subject से। तो share ज़रूर कीजिएगा, जिनको भी benefit हो रहा है वो share कीजिए ताकि बाकी भी उसका benefit उठा सकें। That's very good everyone, very good Anshika, thank you for your response. Okay, moving ahead. आगे के steps हैं मैंने वैसे बता ही दिए, लेकिन example दे दिए, कोई बात नहीं, एक बार cover करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर हमने convert करना है binary में तो repeated multiplication करी जाएगी 2 से और आपका integer part के तौर पे 0 या 1 आएगा। अगर आपने convert करना है octal में तो repeated multiplication करोगे 8 से और आपका integer part 0 से 7 तक आ सकता है। अगर आपने convert करना है hexadecimal से तो आप repeated multiplication करोगे 16 से और आपका answer जो है वो 0 से 15 तक आ सकता है, जैसे आप 10 के बाद 10 से including A टू F के तौर पे लिखोगे। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल फॉर्म में। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। मैंने एग्जांपल दे दिया, अब आप लोगों की बारी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। 32 पॉइंट आसान सा ही दे देते हैं, चलो 75 बेस 10 को मुझे बेस 16 में करके दिखाओ जरा। बेस 10 को बेस 16 में कन्वर्ट करके दिखाइए। 32.75 बेस 10 को बेस 16, गो फॉर दिस। वेरी गुड मान्या, गुड चॉइस ऑफ योर सब्जेक्ट। ऑल द बेस्ट आकर्षित मेहरा, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया नंबर आए आपके, फुल मार्क्स आए, बेस्ट विशेस फ्रॉम आर साइड डियर, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, गो फॉर दिस वन, ट्राई दिस वन। आई एम वेरी हैप्पी आकर्षित, इफ आई हेल्प्ड यू, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट डियर। शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग,
शेयर करेंगे तो बाकियों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने की, करने की, और वो भी आप लोगों की तरह अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। गुड इवनिंग पूर्णिमा, ट्राई करो जल्दी से मुझे आंसर बताओ। ओके, अंशिका का आंसर आ चुका है हमारे पास। ऑल द बेस्ट प्रिनियश। चलिए मैं एक बार ऐसा सॉल्व करता हूं, हमें 32 का भी निकालना था, तो 32 के लिए रिपीटेड डिवीजन बाय 16 होगी। 16 टू जार 32, तो 0 आ गया, तो 20 तो हमारा पॉइंट से पहले का है, और 0.75 के लिए 0.75 इंटू 16 होगा एंड इट विल रिजल्ट इन 6 5 30, 6 7 42, 45 हो गया ये, और ये हो जाएगा हमारा 75। 0 0 12 और 1 13, यानी आ जाएगा 13.00। तो बहुत बढ़िया, ये हमारा 13 के बदले बन जाएगा सी। बिल्कुल सही आंसर हमारे पास प्रियांश की तरफ से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फ्लो चार्ट एक्चुअली सिलेबस में थे नहीं डियर, इसलिए मैंने नहीं कवर करे, वरना अगर रिक्वायरमेंट है तो कवर कर दिए जाएंगे। वेरी गुड आंसर प्रियांश, वेरी गुड। अंशिका, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुई डियर आपसे, एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, इट विल बी डन इन दिस फॉर्म। एक और करते हैं फिर, चलो एक और करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। 9.37 base 10 को base 2 में कन्वर्ट करना है। ओके, गो फॉर दिस वन। प्लीज ट्राई दिस वन, हरी अप। 19.37 base 10 को base 2 में कन्वर्ट करना है। प्रिनियश, आप 8:30 मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा डियर, अपना 8:30 पूछ लीजिएगा अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी तब क्लियर कर लेना। ओके, इट वुड बी देयर इन आईपी डियर, आईपी में कवर हो रहा होगा, इसलिए मैं सीएस के सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहा था, तो उसमें ये वाला पार्ट शायद नहीं था, इसलिए मैंने कवर नहीं किया। लेकिन आने वाले दिनों में पहले एक बार सीएस का 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं आईपी की 11th की अलग से, 11th और 12th की आईपी की अलग से वीडियोस बनेंगी, और आपको तो 12th वाली वीडियोस अब हेल्प करेंगी, 11th वाली तो क्या ही करेंगी, लेकिन 11th के लिए अलग से कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, जो सीएस 11th से अलग है, जो 11th की कंप्यूटर साइंस से आईपी वालों का सिलेबस अलग जो पार्ट है उसके लिए अलग वीडियोस बनेंगी नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में, यानी मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के बाद से आपकी, या अप्रैल से ही आपकी आईपी की वीडियोस बननी शुरू हो जाएंगी। हेलो हेलो डियर, चलो कैलकुलेट करके बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या आता है। 19.37, दैट्स वेरी गुड। प्रियांश सेइंग इट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके, आई चेक द सिलेबस अगेन डियर, देन प्रियांश एक बार मैं चेक कर लूंगा, हो सकता है मेरे से ही ना छूट गया हो, मैं एक बार चेक कर लूंगा डियर। वेरी गुड स्मार्ट बॉय, हैप्पी टू हैव यू फ्रॉम बैंगलोर ओवर हियर। देखो इतने सारे जवाब तो आया लेकिन किसी ने आंसर नहीं बताया अभी तक, तो चलिए मैं ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। 19 का बाइनरी फॉर्म निकाल रहे हैं बाय रिपीटेड डिविजन ऑफ 2, तो 2 9 18 रिमाइंडर वन आ जाएगा, 2 4 8 अगेन वन आ जाएगा, 2 2 4 जीरो आ जाएगा, 2 1 2 जीरो आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 1 0 0 1 1। अब पॉइंट के बाद है 0.37, तो 0.37 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा हमारा 14, 0.74 उम्मीद है यही होगा, हाँ यही होगा, तो 0.74 को आगे ले गए मल्टीप्लाई बाय 2 करा, तो ये बन जाएगा 1.5, सॉरी 1.5
1.48 नॉट 58, फिर आगे ले गए 0.48 को, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा हमारा 16, 4 2 8 9, तो 0.96। आगे ले गए ऐसे 0.96 को मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो ये बन जाएगा 6 2 12, 9 2 18 और एक 19, 1.92। आगे कैलकुलेट करेंगे और जाता रहेगा तो हम इतने ही रोक रहे हैं 4 टाइम्स तक, तो ये बन जाएगा हमारा 0101 विद द बेस ऑफ 2। तो इस तरीके से हम नंबर बिफोर डेसिमल और नंबर आफ्टर डेसिमल को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर आफ्टर डेसिमल जो है उसके लिए रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो गया, और नंबर बिफोर डेसिमल के लिए हमने रिपीटेड डिवीजन का सहारा लिया था। आई होप इट वुड बी क्लियर। जी मैच कर रहा है आंसर, वेरी गुड प्रियांश, वेरी गुड विनेश, कामरान गुड इवनिंग, बीसीडी से भी करके देख सकते हैं डियर, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। और वो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी एक नॉर्मल नंबर, जैसे कि ये बीसीडी फॉर्म ही है, एक नंबर है लेकिन बाइनरी फॉर्म में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 11001, इट इज एक्चुअली 25, लेकिन 25 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरी फॉर्म में। दैट्स वेरी गुड, थैंक यू अंशिका फॉर द रिस्पॉन्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं सर ये नंबर सिस्टम का है क्या चक्कर, क्या हमने तो यूज करा ही नहीं इसको। तो मैंने सोचा कि भाई ये जरूरी है बताना कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, कहाँ है इसका काम। देखो हमारी रैम में जो मेन मेमोरी रैम है उसमें मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जिसमें हमारे हर एक डेटा को एक यूनिक एड्रेस, एक यूनिक मेमोरी लोकेशन मिलती है, एक यूनिक एड्रेस मिलता है। और ये जो एड्रेस है वो मेनली 16 बिट या 32 बिट का होता है। अब अगर हम किसी नंबर का बाइनरी फॉर्म निकाले, देखो अगर हमारे पास नंबर है, सपोज एक नंबर ले रहे मेमोरी लोकेशन के तौर पे, सपोज एक नंबर है 32759 को, अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने को कहूं, मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कितना लंबा आंसर होगा, वेरी लॉन्ग आंसर। तो अगर हम इसे छोटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम इसे डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। हेक्साडेसिमल में कंपेरेटिवली छोटी वैल्यू रिप्रेजेंट करी जा सकती है, मतलब नंबर बड़ा होगा लेकिन वो स्मॉल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम एक बड़ी वैल्यू को छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हेक्साडेसिमल और ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो खासतौर पर मेमोरी लोकेशंस के अंदर इन हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर्स का इस्तेमाल होता है, ताकि कंप्यूटर को बता सकें कि हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर्ड है, और जब यूजर उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, देखना चाहता है, तो हम उसे आंसर डेसिमल या बाइनरी के फॉर्म में नहीं देंगे, हम उसे आंसर ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल के फॉर्म में दे सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत कॉमन यूज है आपका हेक्साडेसिमल का कलर्स में। देखो जो हमारा कलर फॉर्म होता है वेब पेज पे, वो आरजीबी के बेस पे फॉर्म होता है। आरजीबी का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, तो इन तीन कलर की कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट होता है। खुद देखो कि ब्लैक कलर जो है 000 है, कंप्यूटर डेसिमल तो स्टोर करेगा नहीं, वो बाइनरी करेगा। बाइनरी को ऐसे करे इतना बड़ा नंबर, इससे अच्छा अगर हम हेक्साडेसिमल में करेंगे तो इतने दो दो के पेयर में हमारे पास स्टोर हो पा रहा है। येलो कलर के लिए होता है 255 255 एंड 0, बाइनरी कितना बड़ा आ रहा है, लेकिन हेक्साडेसिमल आपका काफी ज्यादा छोटा आ रहा है। तो जो हमारे कलर कोड होते हैं उसे हेक्साडेसिमल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और इन्हीं हेक्साडेसिमल कोड्स को वेब पेज के कलर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द रियल लाइफ एडवांटेजेस ऑफ हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी तो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये चारों नंबर सिस्टम कहां यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिया इन रियल लाइफ। यस 64 बिट भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने हर्षवर्धन, दैट्स करेक्ट।
आज के टाइम में 64 बिट मेमोरी लोकेशंस भी हमारे पास होती हैं और वो और ज़्यादा बड़ा डेटा को स्टोर करने के लिए केपेबल होती हैं। थैंक यू फॉर गाइडिंग हर्ष। प्रकाश, DBMS कंप्लीट होगा डियर, उसके बाद स्टार्ट होगा आपका कम्युनिकेशन क्लास 10th का। यहां तक मुझे बताइए, एनीवन हैविंग एनी डाउट, यू कैन टेक योर डाउट्स, क्लियर है तो भी बता दीजिए मुझे, और शेयर करते रहिएगा। अभी आप लाइव देख रहे हैं, चैट सेक्शन को कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए, शेयर का बटन है, शेयर बटन दबा के अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब पे शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस के, खासतौर पर जिनका कल एग्जाम है, अरे थोड़ी बहुत तो तैयारी करने दो उन्हें, तो प्लीज उनके साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। वेलकम प्रकाश, वेलकम डियर, ओके अंशिका, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ALU स्टैंड्स फॉर, आप लोगों को पता ही है लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इट इज अ पार्ट ऑफ द CPU जो हमारी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने का काम करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये डायरेक्टली वर्क नहीं करता नॉर्मल नंबर पे, डेसिमल नंबर पे वर्क नहीं करता, उल्टा ये हमारे नंबर्स को पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर को ही समझ सकता है और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करने का काम करता है। बाइनरी एडिशन के जो केसेस है वो समझ लेते हैं। अगर 0+0 करेंगे तो 0 आएगा, 0+1 करेंगे तो 1 आएगा, 1+0 करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 1+1 करेंगे तो 10 आएगा, 10 का मतलब 10 है, 10 नहीं होता बाइनरी नंबर में, तो 10 का मतलब है 0 आंसर आएगा और 1 को कैरी कर देंगे, और 1+1+1 11 होता है, जहां 1 को रखेंगे और 1 को कैरी कर देंगे। एक्चुअली आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, सपोज हमारे पास है 1101 और हमारे पास है 1001, ओके इन दोनों को ऐड करना है, तो देखिए 1+1 क्या होता है 10, 1+1 10 होगा तो 0 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, 1+0 इज 1, 1+0 इज 1, तो यहां 1 आ गया, 1+0 इज 1 एंड 1+1 इज 10 विथ 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 0 एज द आंसर। तो इस तरीके से बाइनरी एडिशन को परफॉर्म किया जा सकता है, ये रूल याद रख लीजिएगा, आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो बाइनरी एडिशन के ऊपर बेस्ड होगा। चलिए एक आधा क्वेश्चन इसका भी ट्राई करके देखते हैं। आई एम कवरिंग अकॉर्डिंग टू द NCERT सिलेबस ओनली डियर, दैट्स वेरी गुड हर्ष, बहुत बढ़िया, और ऑल द बेस्ट, कल कई लोगों का एग्जाम है, सबके लिए ऑल द बेस्ट पहले। जो भी ये लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, बाद में देखने वालों को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ब्लेसिंग्स तो होने चाहिए जिनका आ जाए एग्जाम, तो ऑल द वेरी बेस्ट। ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं विशेष फ्लावर बना रहा हूं इन आवाज। फ्रॉम विवेक, ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, इसका बताइए क्या आंसर आएगा, इफ वी एड दीज टू बाइनरी नंबर व्हाट विल बी द रिजल्ट। वेलकम डियर, वेलकम, ओके ट्राई करो, ऐसे बहुत इजी है, यू कैन कैलकुलेट इट विद इन सेकेंड्स, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है ये। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, क्विकली गिव द आंसर, जल्दी बताइए क्या आना चाहिए इसका, जल्दबाजी में लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके देन आई एम गोइंग फॉर इट, आई थिंक नेटवर्क थोड़ा लैग कर रहा है, लोगों के चैट मैसेजेस आने में थोड़ी देर लग रही है, तो मैं ही इसका आंसर लिख रहा हूँ, 0+1 will be 1, 0+1 will be 1, 1+1 will be 10 with 1 carry forward,
0 plus 1 will be 1, but 1 plus 1 will be 10 with 1 carry forward. Then 0 plus 1 plus 1 will be 10, 10 plus 0 will be 10 again with 1 carry forward. And again, मुझे I think सही तरीके से लिखना चाहिए, लिखा हुआ गलत है. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 और 1, 0, 1, 1, 0, 1. ये अब ठीक है. पहले इसमें readability में गलती थी. 1, 1 और ये 10 आना था. फिर ये 1 और 1, 10 हो जाएगा. फिर ये 1 और 1, 10 हो जाएगा. और फिर ये 1 और 1, 10 हो जाएगा. और फिर ये 1 और 1, 10 हो जाएगा. वेरी गुड अंशिका, बिल्कुल सही जवाब और मिलता जुलता आंसर. सही तो एक ही होता है, वो मिलेगा ही बिल्कुल. पिनिंग योर आंसर, वेरी गुड, ग्रेट गोइंग. तो आंसर है 1000011 विद द बेस ऑफ 2. तो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म द बाइनरी अरिथमेटिक, बाइनरी एडिशन इस तरीके से परफॉर्म करी जा सकती है. ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन. लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन या एनकोडिंग स्कीम. किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है टॉपिक. मार्क माय वर्ड्स, कल के पेपर में आ सकता है ये, इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा. तो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन या एनकोडिंग स्कीम, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है. तो इस क्वेश्चन, इस टॉपिक में है क्या, अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेटा को एक दूसरे फॉर्म में, तो उसके लिए एक इक्विवेलेंट साइफर का इस्तेमाल होता है, एक स्पेसिफिक कोड का इस्तेमाल होता है, जिसे एनकोडिंग कहा जाता है. यानी जब डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाएगा, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड को, एक स्पेसिफिक कन्वर्जन टेक्निक को, साइफर बेसिकली एक एनकोडिंग स्कीम है, एक कन्वर्जन स्कीम है, उसके बारे में बात हो रही है. तो स्पेसिफिक कोड का इस्तेमाल किया जाएगा उसे कन्वर्ट करने के लिए, और उसे एनकोडिंग कहा जाता है. स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम ये बताती है, जहाँ पे हमारे पास लेटर्स हैं, न्यूमरल्स हैं, सिंबल्स हैं, उन्हें एनकोड किया जाता है, उन्हें एक यूनिक कोड असाइन किया जाता है, उन्हें एक यूनिक नंबर दिया जाता है, ताकि उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सके. देखो 25, 78, 49, इन सबका तो बाइनरी फॉर्म निकाल लोगे. ए का, जेड का, डॉलर का, एट द रेट का बाइनरी फॉर्म कैसे निकालोगे, तो 2 सेल्सियम नहीं निकलने का उसका. तो इसलिए इन सब स्पेशल सिंबल्स को कन्वर्ट करने के लिए इनको भी कोई स्पेसिफिक नंबर दिया गया है. इसी को स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम कही गई है, जहाँ पे लेटर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को एक यूनिक कोड, एक यूनिक नंबर उन्हें आइडेंटिफिकेशन के तौर पर दिया गया है. कुछ जानी मानी एनकोडिंग स्कीम्स हैं हमारी, ASCII, ISCII और यूनिकोड. तो इन्हें डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हमारा ASCII, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इसका हमारे पास जब कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अलग अलग कंप्यूटर पे जब कम्युनिकेट करनी है, तो उसमें देयर वॉज नो वे ऑफ फॉर डिफरेंट कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. अलग अलग कंप्यूटर जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई कॉमन स्टैंडर्ड था ही नहीं, वो कोई कॉमन कन्वर्जन को फॉलो ही नहीं कर रहे थे. कोई बाइनरी फॉर्म में कैसे बदल रहा था, कोई बाइनरी फॉर्म में कैसे बदल रहा था, सबकी टेक्निक अलग अलग थी. तो कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं था, जिसकी वजह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सरदर्दी थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी. उस दिक्कत को खत्म करने के लिए ही हमारे को ये एनकोडिंग स्कीम्स की जरूरत पड़ी. तो सपोज ये कंप्यूटर ए है, जो IBM कंपनी का है, और ये कंप्यूटर बी है, जो सपोज मैक एप्पल का है, लेकिन ये दोनों अलग अलग एनकोडिंग स्कीम फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब एक का डेटा दूसरे में जाएगा, तो वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होगा, एक का डेटा दूसरे में रीड नहीं हो पाएगा. व्हेन द वी आर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम IBM टू मैक, इट इज नॉट रीडेबल. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ASCII को बनाया गया था. ASCII को बनाने वाली इंस्टीट्यूशन का नाम है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, जैसे हमारे इंडिया में ISCII होता है, वैसे ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. ऐसे यहाँ पे हमारे पास ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसने ASCII कोड बनाया ताकि स्टैंडर्डाइज कर सके पूरी दुनिया में कि कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकें. ASCII आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एनकोडिंग स्कीम माना जाता है.
ACIX 7-bit कोड है, इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि एक 7-bit कोड है जिसमें हमारे कीबोर्ड पे मौजूद जितने भी कैरेक्टर उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जितने भी टोटल डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर है यानी कि A टू Z, कैपिटल A टू Z और स्मॉल A टू Z, उन्हें इसके जरिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसमें हमारे डिजिट्स भी कवर हो जाते हैं 0 to 9 और हमारे स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे एक नीचे चार्ट बना रखा है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसमें बता रखा है कि इस कौन सी वैल्यूज को कौन सा नंबर दिया गया है। 0 to 9 है हमारा 48 से 57, कैपिटल A टू Z 65 to 90, स्मॉल A टू Z 97 से 122, और बाकी के जो 0 से 127 इसमें कवर नहीं हुए वो हमारे स्पेशल सिंबल है, जैसे कि स्पेस है, अंडरस्कोर नहीं स्पेस है, तो उसके लिए जो हमारे पास ASCII कोड होता है दैट इज 32। तो हर एक लेटर को एक ASCII वैल्यू मिली हुई है, एक यूनिक कोड मिला हुआ है, ताकि उसे एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो दोनों का सेम फॉर्मेट होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का डेटा आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए ASCII एनकोडिंग स्कीम को फॉलो किया जाता है। हेलो अक्षय, वेलकम टू द क्लास। यहाँ तक मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट है, यू कैन टेक योर डाउट्स। ASCII टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। यस डेफिनेटली, स्पेस, डॉलर, ब्रैकेट्स, एट द रेट, ये सारे स्पेशल सिंबल्स भी इंक्लूड होते हैं आपके ASCII के अंदर, और इसका मैं आपको डेमो भी देके दिखा सकता हूं, जस्ट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना है। देखिए मैं पाइथन पे आ रहा हूँ, और पाइथन में हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव है। आपको पता है अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CHR, और CHR में मैं लिख रहा हूँ 65, तो देखिए क्या आना चाहिए, कैपिटल A आ रहा है। इसका ऑपोजिट करके दिखा रहा हूँ ORD, और ORD में मैं कैपिटल A डाल रहा हूँ, तो हमारे पास इसका 65 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप CHR का देखना चाहते हो तो मैं स्पेस का देखना, तो मैंने ORD में स्पेस डाल दी, तो देखो 32 आ रहा है। और किसी और सिंबल का भी देखना चाहते हो, ORD मान लो आप एट द रेट का देखना चाहते हो तो आप एट द रेट लिख सकते हो, तो आपको ऐसे उनकी ASCII वैल्यू मिल जाएगी। तो इन फंक्शन से आप ASCII वैल्यू के बेस पे लेटर ले सकते हो, और लेटर के बेस पे ASCII वैल्यू को ले सकते हो। आई होप इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ इट इज क्लियर। वेरी गुड हबीबा, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स अंशिका। चलिए, यू आर वेलकम अक्षय। ASCII ASCII का छोटा भाई ही समझ लो, छोटा या बड़ा जो मर्जी, बड़ा मान सकते हैं क्योंकि बाद में तो फिर छोटा माना जाएगा। चलिए, ASCII कोडिंग स्कीम, में सिर्फ A का I चेंज हुआ है, बाकी सब लेटर सेम है। I का मतलब हो गया इंडियन, तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इसको मेनली इसलिए बनाया गया था कि जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, देखो कंप्यूटर चलाने में सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया में ये है कि हर एक को इंग्लिश इतनी अच्छी तरह नहीं आती, तो खास तौर पे विलेजेस में, तो उन्हें अपनी भाषा में चाहिए। तभी आपने देखा कि गूगल में, एंड्रॉयड में हम हिंदी भाषा में, तमिल, तेलुगु, अलग अलग भाषाओं में अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि शॉपिंग वेबसाइट भी, अमेजोन भी, इंडिया में कई अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल करी जा सकती है। तो इसी कारण से कि कंप्यूटर को इंडिया में पॉपुलर बनाया जाए, तो एक अलग कोडिंग सेट चाहिए था, ताकि इंडियन भाषाओं को भी कंप्यूटर में स्टोर करवाया जा सके, उन्हें भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो उसके लिए अलग कोडिंग स्कीम चाहिए थी। ASCII में तो सिर्फ इंग्लिश लेटर आने थे, तो ASCII को बनाया गया तो फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर्स। कॉमन स्टैंडर्ड कोडिंग स्क्रिप्ट बनाई गई, इंडियन स्क्रिप्ट बनाई गई, जिसको ASCII बोला गया, जिसको डेवलप किया गया था इन द मिड ऑफ 1980s। ये एक 8-bit कोड है, वो 7-bit कोड था, ये 8-bit कोड है, और इसमें इंडियन लैंग्वेजेस के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे 2 की पावर 8, 256 कैरेक्टर तक इसके अंदर आ सकते हैं, उसमें 127 कैरेक्टर आ सकते हैं, इसमें 256 कैरेक्टर आते हैं। इसमें ASCII के जो टोटल 128 कैरेक्टर, यानी कैपिटल A टू Z, स्मॉल A टू Z, 0 to 9, स्पेशल सिंबल जो नॉर्मल कीबोर्ड पे मौजूद है, वो सब तो आते ही आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एडिशनल इंडियन लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट को भी शामिल किया गया है। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसमें देवनागरी तो आती ही आती है, देवनागरी के अलावा इसमें गुरमुखी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, ये सब
भाषाओं के लेटर्स भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये हमारा ICAI इनकोडिंग स्कीम है, इंडिया में डेवलप किया गया है, इंडिया में कंप्यूटर को प्रमोट करने के लिए इस इनकोडिंग स्कीम का इस्तेमाल किया गया था 1980s में, लेकिन आज के टाइम में अभी ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। अब इन सब को ASCII को भी हटा दिया गया, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, ICAI को भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारा अगले वाला, दैट इज़ यूनिकोड। यूनिकोड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कोडिंग, ये एक स्टैंडर्ड है जिसको डेवलप किया गया है इनकॉर्पोरेट करने के लिए, दुनिया में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उन भाषाओं के जितने भी अक्षर हैं, उन सबको स्टोर करने के लिए एक ऐसा कैरेक्टर सेट चाहिए था जो हर भाषा के लिए पूरी दुनिया में कहीं पे भी सेम हो, तो वो है हमारा यूनिकोड। तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिकोड प्रोवाइड करता है यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर इज रिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस। ये हर कैरेक्टर को, चाहे वो किसी भी भाषा का है, चाहे वो किसी भी डिवाइस पे इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल हो रहा है, हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट करने का काम कर सकता है। जो कॉमन यूनिकोड एनकोडिंग्स हैं वो UTF-8, UTF-16 और UTF-32 हैं, और वैसे UTF-24 भी होता है, फिलहाल मैंने उसे मेंशन नहीं किया। तो ये हमारा यूनिकोड कैरेक्टर सेट है जिसमें वर्ल्ड की जितनी भी भाषाएं हैं उनके कैरेक्टर्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। चलिए इसके बारे में एक हल्की सी जानकारी और देता हूं, एक डेमो देके दिखाता हूं। लेट मी शो यू google.com। ये देखिए google.com पे जब मैं गया, यहां पे मेरे पास लैंग्वेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं। लेट मी चेंज इट फ्रॉम google.com टू google.jp। आई एम ट्रांसफरिंग द रिक्वेस्ट टू जापान। तो देखिए यहाँ पे जापानीज भाषा भी आ गई, और अगर मैं इसे करता हूँ, नॉट वेरी मच श्योर, हाँ यूके तो यूनाइटेड किंगडम ही होगा, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो यूके के हिसाब से देखो, वहाँ पे कोविड की तो उसके बारे में यहाँ पे आ रहा है, और AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिसके हिसाब से, और आई थिंक शायद गूगल ऑस्ट्रेलिया में अपनी सर्विसेज बंद कर चुका है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हम इसे। तो अलग अलग भाषाओं के लिए हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर सेट है, लेकिन वो सारे ही एक ही उसमें अकोमोडेट होते हैं, जिसे कहा जाता है यूनिकोड। तो ये यूनिकोड एनकोडिंग है जिसकी वजह से पूरे दुनिया की भाषा के कैरेक्टर्स को अकोमोडेट किया गया है इन अ सिंगल कोडिंग सेट। ओके, मुझे बताइए, इज दिस ऑल क्लियर टू यू? किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट। अक्षय, माय स्कूल इज SMA। Now you guess what would be SMA? Hello Alok, welcome dear. Very good Anshika, that's very good. Thank you for your response. चलिए आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। आपके क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग मैसेज इनटू हेक्साडेसिमल कोड। हेक्साडेसिमल में बदलना है आपको तो डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट होगा, ASCII कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और ये आपका हेक्साडेसिमल है, इसको तीनों में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल, डेसिमल और बाइनरी। और आपको अलग अलग एनकोडिंग सेट्स बताने हैं, और ये बताना है कि कौन सा एनकोडिंग सेट है जिसमें पूरे वर्ल्ड के लेटर्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। तो प्लीज़ इनके आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, और फिर जिसका आंसर करेक्ट होगा उसे नेक्स्ट वीडियो में हम शाउट आउट देंगे। क्लास 11th का अब हमारा शुरू होगा बुलियन लॉजिक, नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है, अगली वीडियो से शुरू हो जाएगा बुलियन लॉजिक चैप्टर, हम अपना शुरू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। तो इसकी काफ़ी डिमांड थी, लेकिन तब तक कईयों के पेपर हो चुके होंगे, कोई बात नहीं, नॉलेज तो जब आ जाए तब काम आ जाएगी। So we will be covering this from next time. Don't spam dear, वैसे तो लेक्चर खत्म हो चुका है, तो आप स्पैम कर भी दो तो कोई बड़ी बात नहीं है।
ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। काफी लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं किया प्लीज जल्दी कर लीजिए। आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टेबल हैज चेंज, सो आई एम स्किपिंग इट राइट नाउ। आप डाउट पोर्टल पे अपने डाउट को रजिस्टर कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी का कोई डाउट है तो अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं राइट नाउ। बाय डियर, बाय 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 एवरीवन। पहले गुड इवनिंग था, फिर बाय कर रहे हैं। अबानी दास, नेक्स्ट क्लास फॉर क्लास 10th विल बी ऑन वेनसडे, क्लास 11th थर्सडे और क्लास 12th फ्राइडे। ओके, आई थिंक नो डाउट्स आर देयर। यस प्रियांश, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर डाउट डियर। ओके अंशिका, बाय, वेलकम। चलिए लिखते रहिए लिखते रहिए, नो प्रॉब्लम। प्रियांश, योर डाउट प्लीज। टू क्रिएट अ नेस्टेड लिस्ट और डिक्शनरी ऑफ एयरलाइन रिजर्वेशन, ईच लिस्ट मस्ट हैव अ फ्लाइट नंबर, नेम, डिपार्चर। ओके ओके हबीबा, थैंक यू आलोक। चलो जी, आपने कहा एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। टाइम लग जाएगा ऐसे बनाने में। प्रोग्राम टू क्रिएट अ नेस्टेड लिस्ट और डिक्शनरी ऑफ एयरलाइन रिजर्वेशन, फ्लाइट नंबर, नेम, डिपार्चर। बहुत सारी जानकारी है, मैं इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन आपको एक जस्ट आइडिया के तौर पे बना के दिखा देता हूँ। इट विल टेक, इट इज लाइक अ मिनी प्रोजेक्ट डियर। तो D1 नाम की हम एक एम्प्टी डिक्शनरी ले रहे हैं, नेस्टेड डिक्शनरी बना देंगे। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यू वॉन्ट टू स्टोर। और उसके बाद यहां पे हम लूप चलाएंगे, आई इक्वल्स टू जीरो व्हाइल आई इज लेस देन एन। हियर इट इज अ मिनी प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा बन जाएगा। इट विल बी डन बट इट विल टेक मच टाइम, इट इज ऑलमोस्ट अ प्रोजेक्ट डियर। एक प्रोजेक्ट के बराबर है, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें प्रियांश। तो फॉर सॉरी फॉर दैट डियर, अभी तो मैं कवर नहीं करवा पाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मोर देन हाफ एन आवर कंटिन्यूअस कोडिंग करेंगे तब जाके ये पूरा बनेगा। इट विल टेक मच टाइम। तो चलिए फिलहाल विनेश की जो प्रॉब्लम है उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का बहुत इजी प्रोसेस है। सपोज हमारे पास है 1 0 1 0 1 1 0, बेस 2 को हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप नंबर को जस्ट रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब है 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, यानी ये बन जाएगा हमारा 0 1 0 1 0 0 1 विद द बेस 2। वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको सिर्फ डिजिट को रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब ये नहीं कि इसे एंडिंग से स्टार्टिंग की तरफ लिखना है, यानी जहां जहां 0 है रिप्लेस एवरी 0 विद 1
एंड एवरी वन विथ जीरो. लेकिन ये ध्यान रखना है नेगेटिव के लिए वर्क करेगा, यानी अगर हमारा नंबर है -23 base 10 तब लगाएंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, वरना नहीं लगेगा. वंस कॉम्प्लीमेंट लगाने के लिए आपको नेगेटिव नंबर है तो होता है. एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 23 का बाइनरी फॉर्म निकाल रहे हैं, 2 11 22, 23 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 5 10 रिमाइंडर 1 आ गया, 2 2 4 रिमाइंडर 1 आ गया, 2 1 2 0 आ गया. तो ये बन जाएगा हमारा 10111 विद द बेस 2. लेकिन इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उल्टा करेंगे, यानी ये बन जाएगा 01000 विद द बेस 2. नाउ इट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट. टूज कॉम्प्लीमेंट में पहले वंस कॉम्प्लीमेंट तक निकाल लो, उसके बाद लास्ट में एलएसबी में लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में 1 ऐड कर दो. यानी अगर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो मैं प्लस 1 कर देता और ये बन जाता 01001 विद द बेस 2. सो दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट एंड दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट. डायमंड शेप ऑफ स्टार. आज प्रियाज आप काफी लंबे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. डियर आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट द डायमंड शेप ऑफ स्टार. आप एक बार उसमें चेक कर लीजिए, जो मेरा नेस्टेड लूप का प्रैक्टिकल वीडियो है उसमें आपको डेफिनेटली मिल जाना चाहिए. प्लीज चेक इन द प्लेलिस्ट ऑफ नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप में मिल जाएंगे आपको ये वाले टॉपिक्स, प्लीज वहां जाके चेक कर लीजिए प्रियांश. और डिक्शनरी में भी आपको मिल जाना चाहिए डियर, एक बार चेक करना. इस टाइप का बिल्कुल एग्जैक्टली ये तो नहीं, लेकिन इससे काफी मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने डिक्शनरी में कवर करवाया. आई एम नॉट वेरी श्योर इट इज इन वीडियो 1, 2 और 3, एक बार तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको डेफिनेटली इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाना चाहिए. प्लस का नहीं होता क्या? प्लस मैंने किया है इसमें प्लस 1 टूज कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता, टूज कॉम्प्लीमेंट में करना पड़ता है उसे. ओके, ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें. आप लोग भी ये नोट्स का बेनिफिट उठाइए और इसी लैंग्वेज को जब आप एग्जाम में लिखेंगे आपके मार्क्स में कोई डिडक्शन नहीं होगा. इट विल गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम प्रियांश, दैट इज वाई आई एम नॉट कवरिंग इट नाउ डियर. अभी मेरा डिनर टाइम हो चुका है इसलिए. प्लस का नहीं होता कॉम्प्लीमेंट, जो एज इट इज आंसर आएगा वही आंसर होगा. कॉम्प्लीमेंट इज ओनली ऑफ नेगेटिव नंबर, नॉट ऑफ पॉजिटिव नंबर. आई होप इट इज क्लियर टू यू विनेश. ओनली ऑफ नेगेटिव नंबर कॉम्प्लीमेंट इज टेकन आउट. ओके, आज की वीडियो को इतना ही रख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइम. कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, चलिए एक बार डायमंड स्टार वाला तो देख ही लेते हैं. इज इट फिल्ड और हॉलो, ये जल्दी से बताओ मुझे. फिल्ड स्टार और हॉलो स्टार. ओके, हॉलो स्टार. चलिए फिर करते हैं इसकी कोडिंग. डिनर फिर आज देखा जाएगा. ओके, तो पैटर्न बनाने के लिए हमारे को पहले चाहिए वैसे रेप्लिकेशन से काम आसान हो जाएगा, आपको रेप्लिकेशन से करके दिखा देता हूं. लेट अस गो फॉर 3 lines, तो कोडिंग करते चलते जैसा आएगा वैसा आएगा.
आई को वन ले लिया और वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव कर देते हैं, पांच लाइनों का बना देते हैं। और इसमें हमारे को पहले चाहिए स्पेस, तो हमने कर दिया यहाँ पे प्रिंट स्पेस रेप्लिकेटेड बाय हमारे पास टोटल स्टार जो बनेंगे, स्पेस जो बनेगी वो होगी फोर, तो m को मैं फोर ले रहा हूँ, यानी टोटल रो माइनस वन। और इसे मैं रेप्लिकेट बाय m कर रहा हूँ, कॉमा एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके बाद हमारे पास इससे स्पेस का काम तो हो गया, अब हमें स्टार चाहिए और पहली लाइन में सिर्फ एक ही चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बीच वाली स्पेस का करना पड़ेगा हमारे को। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्रिंट और एस्ट्रिक का साइन, और इसमें भी लिख रहा हूँ मैं एंड इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इससे हमारे पास एक स्टार आ जाएगा। और फिर हमारे को क्या करना है, अब हमारे को सेकेंड लाइन के लिए जब हम चलेंगे उसमें स्पेस देनी है, तो हमारे को अब स्पेस का लूप चलाना पड़ेगा। और स्पेस का लूप भी चलाने की जगह हम उसे भी रेप्लीकेट कर लेते हैं। पहली लाइन में कोई स्पेस नहीं है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं, कितनी हमें स्पेस रखनी है, पहली बार माइनस टू रख लेते हैं, के को रख लेते हैं माइनस टू। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट स्पेस रेप्लीकेटेड बाय के, और माइनस टू की जगह माइनस वन कर देते हैं इसे। अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मैं कोड कर लूँ इसे पूरा, और जितना आसान हो सकता है उतना पॉसिबल मैं इजी कर रहा हूँ आपके लिए इसे। इससे हमारे पास स्पेस आ जाएगी। अब सवाल है बाद वाले स्टार का, तो बाद वाले स्टार के लिए हम कर सकते हैं इफ आई नॉट इक्वल्स टू वन, तो प्रिंट कर दो स्टार का साइन, और बस इसमें कुछ नहीं करना। आखिरी काम है हमारा आई को प्लस इक्वल्स टू वन, तो हमारा आधा पैटर्न इससे बन जाना चाहिए। चलिए इसे रन करके देखते हैं, कुछ मिसिंग है उसे ठीक कर लूँ। एक तो मैंने m नहीं चेंज किया, m को भी चेंज कर देता हूँ। m को मुझे करना पड़ेगा माइनस इक्वल्स टू वन, और k को मुझे करना पड़ेगा प्लस इक्वल्स टू टू। अब रन करते हैं इसे, dimond.py। पहली लाइन में गड़बड़ आ रही है, बाकी हमारी लाइनें सही हैं, बस पहली लाइन में ओके, एंड का चक्कर हो सकता है ये। स्टार आ गया, एंड आ गया, फिर स्पेस आ गई, ओके। ये हमारा इस वजह से हुआ कि जब आई की वैल्यू वन थी तो उसके बाद वाला यहां से प्रिंट हुआ। एल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्प्टी प्रिंट, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। ओके परफेक्ट आ गया हमारा, पांच लाइनों का आधा स्टार। अब बाकी आधा बनाने के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली बन जाएगा जब इतना बन गया तो। इस बार हमें उल्टा जाना है, तो आए को मैं रख रहा हूँ, या जे ले लेते हैं, क्यों मिक्स करना है। चार लूंगा क्योंकि बीच वाली लाइन तो हमारी कॉमन होगी, और चार से एक तक जा रहे हैं, तो वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। और फिर हमारे को इसमें क्या क्या करना है, पहले तो हमें देनी है चार स्पेस, तो उसके लिए मैंने क्या किया, चार निबल की एक देनी है, तो मैंने यहाँ पे एम को वन ले लिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, बल्कि ये लाइनें मेरी सेम आ जाएंगी तो मैंने क्यों लिख रहा हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट ही मार लेता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो m मेरा वन है, पहले बार एक स्पेस आ जाएगी, फिर एस्ट्रिक का साइन आ जाएगा, इधर वाला आ जाएगा, और उसके बाद मुझे स्पेस देनी है, तो मुझे k को डिफाइन करना पड़ेगा। k मेरा होना चाहिए पहली बार, अगर चौथी लाइन है तो फोर टू द एट, तो एट स्पेस होनी चाहिए, तो इसे मैं कर देता हूँ k इक्वल्स टू फोर। और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें यही करना है कि इफ आई नॉट इक्वल्स टू वन, तो हमें प्रिंट करना है
एस्ट्रिक एट द एंड ऑफ द लाइन, अदरवाइज हमें प्रिंट करना है। वन के केस में एस्ट्रिक नहीं करना और वन के केस में हमें प्रिंट करना है एम्प्टी, तो हमने लिख दिया प्रिंट और खाली। और फिर यहाँ पे हम बाहर आ गए, इसमें जे को माइनस करते चलेंगे, जे माइनस इक्वल्स टू वन कर देंगे, और फिर हम करेंगे एम को प्लस वन, और के को हम करते रहेंगे माइनस इक्वल्स टू टू, तो के को फिर हमें थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा भाई। फोर्थ लाइन में अगर वो पहली लाइन में जीरो था, सॉरी माइनस, एक बार मैं आउटपुट देखता हूँ जो हमारा आया था, यहाँ पे हमारी स्पेस नहीं है, माइनस वन प्लस टू वन थ्री फाइव सेवन, तो हमें सेवन स्पेस से स्टार्ट करना है, तो इसको मैं सेवन कर देता हूँ, बल्कि सेवन नहीं फाइव कर देता हूँ, या अब आई थिंक ये सही चल जाना चाहिए। लीजिए डियर, आपका डायमंड शेप आ गया, बस एक आखिरी एक एक्स्ट्रा स्टार आ रहा है, उसका देख लेता हूँ क्या गलती हुई है। ये लाइन की स्टार्टिंग का स्टार है, ये लाइन की एंडिंग का स्टार है, मैंने कहा जब आए, सॉरी आए नहीं जे होना चाहिए, आए लिख दिया मैंने गलती से। लीजिए योर स्टार इज रेडी, यस प्रियांश, देखो जितना इजी हो सकता है उतना इजी करा मैंने आपके लिए, और परफेक्ट शेप जैसी आनी चाहिए वही आ रही है, सिंपल स्ट्रिंग की रेप्लिकेशन करी है हमने, कोड आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका और इसे एक बार पढ़ के समझ लेना। इतना तो अपर ट्रायंगल है और नीचे वाला लोअर ट्रायंगल है, इसमें हमने स्पेस को रेप्लिकेट किया ताकि स्टार्टिंग वाली स्पेस आ जाए, स्टार हमें एक ही चाहिए था लाइन के इधर वाला, फिर बीच में स्पेस चाहिए थी उसके लिए कर दिया, और फिर जो दूसरा स्टार था लाइन के उधर वाला उसके लिए हमने ये वाला बोर्ड कर रखा है। आई थिंक ही गॉट इट मिस्टर इन्फिनिटी, आई एस आई विल टीच लाइव अगेन, बट आई थिंक सब्जेक्ट्स माइट बी डिफरेंट ईयर, और जो सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है उसके क्विज सेशन होंगे, उसके प्रोग्राम सेशन होंगे, उसके प्रैक्टिस सेशन होंगे, टॉपिक्स दोबारा कवर करवाने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन आपकी रिविजन जरूर करवाने के मूड में हूँ। चलिए हमारे को डायमंड प्रोग्राम बनाने का एक छोटा तरीका मिल गया है, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू प्रियांश फॉर दैट। ओके आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, आप लोगों का डाउट भी अभी मैंने क्लियर कर लिया है। विनेश, समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा डियर, फिलहाल आप इसे अभी अपने आप कवर कर लीजिए, मैं आपको उसे फिर कभी फुर्सत में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बाय एवरीवन, बाय फ्रॉम बाइट, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर डियर, बाय बाय, प्लीज शेयर द वीडियोस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट सबको, जो भी जिनका भी एग्जाम है ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल इन योर एग्जाम, बाय एवरीवन।